हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल ग्लैम विद अंशु। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको कोई ब्यूटी टिप्स नहीं देने वाली। आज की वीडियो में मैं आपसे हेल्थ रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड बातें करूंगी और बताऊंगी किस तरह आप अपनी पर्सनालिटी को, अपनी फिटनेस को बहुत ही ज्यादा फिट रख सकते हैं। कई बार क्या होता है गाइस, आफ्टर डिलीवरी के बाद हमारी जो पर्सनालिटी है वो बेकार हो जाती है पूरी, क्योंकि हमारे शरीर में एक मोटापा आ जाता है। या वैसे भी अगर आपके शरीर में मोटापा है तो आप उसे कैसे दूर सकते हैं गाइस, दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपकी हेल्थ जो है सही नहीं रहेगी, अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे, तो आप कितने भी ब्यूटी टिप्स या कितनी भी क्या होम रेमेडीज वगैरह क्यों ना ट्राई कर ले, उससे आपके फेस पर कोई ग्लो नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप अपनी हेल्थ का ध्यान दें, उसके बाद ही किसी भी ब्यूटी टिप्स, चाहे वो कॉस्मेटिक आइटम्स हो, चाहे होम रेमेडीज आप यूज करते हो, कोई भी यूज करें, तो फिर आपकी स्किन अपने आप ही ब्राइट करेगी। तो चलिए मैं बताती हूँ गाइज, आपने किस तरह बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपनी फिटनेस को फिट रख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी गाइज, अगर आप डिलीवरी के बाद आपका फिटनेस खराब हो गया, आपका पेट निकल आया है, आप थोड़े से मोटे हो गए हैं, तो अपना वजन आप कैसे कम कर सकते हैं? सबसे पहले डिलीवरी के बाद गाइस, अगर आपका पेट निकल आता है तो आपने क्या करना है, ट्राई करें 10 दिन के अंदर ही आप अपने पेट की मालिश करवाएं। आपने जो मालिश करवानी है, ये खाली पेट आपने मालिश करवाना है, कुछ भी खा के, कोई भी चीज, चाहे वो चाय हो या पानी हो, कुछ भी आपने नहीं पीना है, खाली पेट आपने ही मालिश करवाना है। इससे क्या होगा कि जब आपने जो मालिश करवाना है वो भी गाइस 10 से 15 दिन तक मालिश करवाना है। सुबह चाहे आप 10 मिनट टाइम दें, 15 मिनट टाइम दें, कम से कम आप उसे आधा घंटा टाइम मालिश में जरूर दें। 15 मिनट जब कंटिन्यू आप इसे 15 दिन कंटिन्यू जब आधे घंटे उसे टाइम देंगे, तो आपका पेट जो है बिल्कुल नेचुरल तरीके से अंदर हो जाएगा। सेकंड गाइस, अगर आप मालिश नहीं करवा पाते किसी रीजन वजह से, किसी प्रॉब्लम वजह से आप मालिश नहीं करवाते हैं, तो आपने क्या करना है, मार्केट में जो बेल्ट मिलती है, हाँ, आपने वो बेल्ट ले लेना है और जो जितनी दूर में आपकी तोन निकली है वहां लगा लेना है। आपने अपना साइज पहले चेक कर लेना है गाइस, कि आपकी पहले आप कितने थे और कौन सा साइज आपको लगेगा, उस बेस पे आप उस बेल्ट को मंगाएं और फिर उसे आप लगाएं। ये बेल्ट भी आपको क्या कहते हैं, 15 से 20 दिन तक लगातार लगाना है, सारा दिन आपने लगाना है। सोते टाइम अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उसे निकालते हैं, अदरवाइज सारा दिन आपने इसे लगा के रखना है। इसे लगाने से भी क्या होता है गाइज ना, हमारा पेट जो है बिल्कुल बंधा रहता है और आप देखेंगे हफ्ते या दो चार दिन के अंदर आपका जो पेट बाहर निकला है ना, थोड़ा सा अंदर जाएगा, तो आपको अपने बेल्ट को और टाइट करना होगा। तो इस तरह का ध्यान देना है गाइस, और मैं आपको इसके बारे में और बता दूंगा गाइस, जब भी आप बेल्ट लगाएं ना, तो ट्राई करें कि आप क्या कहते हैं, बैठने वाला काम ज्यादा करें, क्योंकि इससे जब बैठने वाला काम करेंगे गाइस ना, तो उससे आपके पेट पे प्रेशर पड़ेगा और बेल्ट की वजह से आपका जो पेट है वो अंदर चला जाएगा। थर्ड गाइस, आप कुछ चीजें घरेलू जो नुस्खे हैं ना, उन्हें भी अपनाकर आप अपने पेट या अपनी बॉडी का, अपने शरीर का वजन कम कर सकते हैं। मैंने किस तरह कम किया और ऐसा क्या मैंने पिया, वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह आपने करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूंगा इस एक रीजन और होता है, अगर आप चाहें अपने बच्चे को डिलीवरी के बाद अपने बच्चे को फीड देते हैं, फीड देने से गाइस क्या होता है ना, कि हमारी जो चर्बी है बिल्कुल नेचुरल तरीके से कम हो जाती है, क्योंकि जो हमारे शरीर की कुछ पेशियां कैलोरीज हैं या कुछ इस तरह की हैं जो दूध बनाने का काम करती हैं, और इससे हमारे जो फैट है ना वो बिल्कुल कम हो जाता है। तो इन छोटी छोटी चीजों का डिलीवरी के बाद आपने ध्यान रखना है, इससे फिर आप। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह मैंने अपने फैट को कम किया, अपने पेट को डिलीवरी के बाद कैसे अंदर किया, क्या मैंने ऐसा बनाया और क्या मैंने खाया या पिया, अपने रूटीन में कैसे उसे शेयर किया, जिससे हमारी पर्सनैलिटी पहले जैसी होगी और हमारा पेट बाहर नहीं है। तो चलिए गाइस, मैं आपको बना के भी दिखाती हूँ और उसे बताती हूँ किस तरह आपने उसे खाना है या पीना है। आप देख सकते हैं गाइस, मैंने एक गिलास पानी ले लिया है, और ये पानी मैंने इस गिलास से एक गिलास पानी लिया है, स्टील के गिलास से इतना पानी आपने लेना है, और मैं अब इसे गर्म होने के लिए रख दूंगी। हमें इसे ज्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल बॉयल नहीं करना है कि इसमें उबाल आने लगे, हमें हल्का गर्म करना है, जितना गर्म हम इसे पी सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, मैंने हाई फ्लेम पे इसे गर्म होने के लिए रख दिया है, और ऐसे लगभग इसे हम 2 से 3 मिनट तक इसे गर्म करेंगे, उसके बाद हम इसे इस ग्लास में निकाल लेंगे। और आपको पता कैसे करना है, आपने फिंगर ना इसमें डिप कर लेना है, जितना आपकी फिंगर सह सके, कि इतना गर्म आप पी सकेंगे। अगर आपकी फिंगर पे आपको ज्यादा गर्म नहीं लगेगा तो फिर आपने बंद कर देना है, ताकि आप अच्छे से इसे पी सकें। ऐसा ना करें कि आप ज्यादा गर्म कर ले और इसमें ठंडा पानी ऐड करें, तो आपने फिंगर डाल के ऐसे टच कर लेनी है। तो गाइस, अभी हमारा ये थोड़ा सा, मैं इसे और थोड़ी देर गर्म करूंगी, उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। तो अभी गाइस, ये हमारा पानी गर्म हो चुका है और अब मैं इसे बंद कर दूंगी। तो ये देख सकते हैं गाइस, मैंने पानी को इसमें निकाल दिया है और हमारा इतना गर्म है कि मैं इसे अच्छे से पकड़ भी ले रही हूँ। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 स्पून हनी। तो देख सकते हैं गाइस, मैंने 1 स्पून हनी ले ली है, और अब मैं इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर लूंगी और इसे मैं पी लूंगी। अभी मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी हमारा पीने के लिए रेडी हो गया है।
तो भी आप देख सकते हैं गाइस हमारा पानी रेडी हो गया है जैसे मैंने आपको बताया। और आपने जब भी इसे पीना है ना, खाली पेट पीना है, ब्रश करने के बाद आपने खाली पेट पीना है। और अगर आप चाहें, आपके पास शहद नहीं है या शहद आप नहीं आपको अच्छा लगता, तो आप इसमें नींबू डालकर उसे भी पी सकते हैं, उसे भी आपका जो है, आपकी जो चर्बी है, जो आपका फैट है, वो निकल जाएगा गाइस। तो अब मैं इसे पी लेती हूँ। तो इस तरह गाइज आपने इसे थोड़ा थोड़ा करके पीना है, क्योंकि अभी हल्का गर्म है हमारा, तो फिर हम एक बार में इसे नहीं पी पाएंगे। जिस तरह हम चाय पीते हैं उस तरह हमें इसे पीना है। इस तरह गाइज आप इसे एक डेढ़ महीने लगातार पिएंगे, आपको 1 वीक के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। जब से आपने पीना स्टार्ट करना है ना, उससे पहले आपने क्या करना है, अपना वेट कर लेना है। उसके बाद आपने 1 सप्ताह बाद फिर से अपना वेट जो है वो ट्राई करना है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना वेट जो है कम हुआ है। गाइज इस पानी को अगर इस तरह आप बनाकर पीते हैं, तो इससे आपके जो पेट की चर्बी है वो सारी अंदर हो जाएगी, आपके शरीर में जो भी फैट जमा है वो आपका बिल्कुल नेचुरल तरीके से निकल जाएगा, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, आपकी हेल्थ की जो हेल्थ भी बनी रहेगी और आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आएगी। तो इस तरह आप बनाकर आप इसे पी सकते हो और अपने पेट की चर्बी या अपने शरीर की चर्बी या अपने शरीर के मोटापे को कम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक, और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।